अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद अंसारी और आज मैं आप सबके साथ हूं मेट्रो पे। और मेट्रो पे मैं करूंगी शॉपिंग और आपको बताऊंगी इनके जो होम ब्रांड्स हैं, मेट्रो ब्रांड्स जो हैं इनके कौन कौन से हैं, ताकि आइंदा जब आप शॉपिंग करने आए तो आप भी वो चीज़ें ले सकें और आप फ़ायदा उठा सकें। मैंने भी आज शॉपिंग करनी है, मगर जो मैं शॉपिंग करूंगी वो आपको उनकी मालूमात करके यहाँ के जो ब्रांड मैनेजर्स हैं वो हमें सारा कुछ बताएंगे, ताकि मैं आपको भी गाइड कर सकूं और आप भी वो चीज़ें लें, फ़ायदा उठाएं इनकी प्रोडक्ट से। राइस से हम शुरू करेंगे। हमारे साथ सौलत साहब भी होंगे जो हमें गाइड करेंगे इसके बारे में। ये डिफरेंट असॉर्टेड राइस है। तो सौलत साहब, ये बताएं कि जितनी भी वैरायटी है ये आपकी मेट्रो की है? जी, ये हमारी मेट्रो ब्रांड में जो है वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, फाइन लाइफ और ओके के नाम से। हाँ, और इसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जब हम आगे जाएंगे तो आपको डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में बताएंगे कि किस किस नाम से हम मार्केट में अवेलेबल हैं प्राइवेट लेवल में। अभी फिलहाल हमारे पास फाइन लाइफ है 1 kg, जिसमें राइस सुपर कर्नल बासमती है, एक्स्ट्रा लॉन्ग सेला है फाइन लाइफ में। बिल्कुल, ये स्पेसिफिकली अगर आप बिरयानी की बात करें तो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा यूजेज है। फिर अगर मैं दूसरी कैटेगरी में आऊँ तो फाइन लाइफ सुपर कर्नल बासमती है, ठीक है। ये पुलाव में, क्योंकि पुलाव में अपना अरोमा होता है, तो एक फील इसमें है, वो इसके अंदर है। और इसकी हमारी अच्छी बात ये है कि हम बिल्कुल जो हमारी सोर्सिंग है, जहाँ से चावल प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ तक जो है ना उसको जो है ना वैलिडेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो सप्लायर है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे सर्टिफाइड है, फिर हमारे उनकी जो है ना विजिट्स होते हैं अपने, और फिर हम अपने प्रोडक्ट की जो टेस्टिंग करवा रहे होते हैं इंटरनली लैब टेस्ट डिफरेंट लैब्स से, जो कि 17025 पे सर्टिफाइड होती हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है इस चावल की खासियत ये है कि इसके अंदर जो है आपको डिस्कलरेशन, फॉरेन पार्टिकल्स, स्टोन्स, इस तरह की जो कुछ भी मिलेगी आपको, साफ सुथरे चावल मिलेंगे आपको। जो नॉर्मली घर में इस्तेमाल होते हैं कि पहले आपको चावल भीगने और वो नहीं है, वो चीज़ है इसमें। और ये भी यही हाल, ये अवामी चावल, अवामी चावल, दिस इज जस्ट फॉर दी एवरीडे पर्पस, दाल चावल एंड दिस लाइक चाइनीज राइस है, दाल चावल, ये एवरीडे है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ जो की कराची की खासियत है बिरयानी, और ये वो भी है खासियत जो नए पकाने वाले खराब नहीं होते, ये बिल्कुल खराब नहीं है। इसमें हमने एक अच्छी चीज एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट ये दी है, इसके पीछे हमने पूरी डिटेल भी लिखी है कि आपने सोकिंग टाइम कितना रखना है इसके अंदर। इसका भी ज्यादा होता है सोकिंग, हाँ ऑफ कोर्स, यस, वेरी कर रहा होता है। और हर जो शेफ होता है वो डिफरेंट टेक्निक्स अडॉप्ट कर रहा होता है। बिल्कुल समझिए, ये आपका हो गया सेला एक्स्ट्रा लॉन्ग, एक्स्ट्रा लॉन्ग सेला 7.4 mm का ये चावल होता है और अराउंड लंबा, सबसे लंबा होता है, ठीक है। अच्छा, एक चावल होता है जिसको आप आम भी बताएं, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। बेसिकली बासमती जो है ना वो राइस कहलाता है, पाकिस्तान का बासमती पूरी दुनिया में मशहूर है, ये जो है बासमती। यस, बिरयानी में बेसिकली होता ये है कि इतनी ज्यादा मैरिनेशन, इतने ज्यादा स्पाइसेस होते हैं, उसकी अरोमा खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप पुलाव की स्पेसिफिकली बात करें तो ये है आपके लिए स्पेसिफिकली इस्तेमाल होता है। ओके, ये है आपका सुपर कर्नल बासमती। ये सुपर कर्नल है, ये अवामी राइस है, और ये है आपका एक्स्ट्रा लॉन्ग से। अच्छा, इसके ओके ब्रांड हमारा जो है ना वो मिनिमम रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहा होता है कि जो कस्टमर प्राइस कॉन्शियस है, समझिए क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए और प्राइस मुनासिब चाहिए, तो उनके लिए हमने ये इंट्रोड्यूस कराया है। और जो हमारे प्रीमियम ब्रांड है दैट इज फाइन लाइफ, उनके लिए हमारे एक्स्ट्रा लॉन्ग सेलर है। अच्छा ये सिर्फ जो है ये सुपर कर्नल में 1 kg है, बाकी इसमें नहीं है 1 kg? नहीं, इसमें भी है। ये सुपर कर्नल बासमती 5 kg पैकेट है, ये 1 kg। ओके, इसमें नहीं है आपका 1 kg? इसमें अभी फिलहाल। ओके, ये आपको 5 kg का ही। और ये आपके, ये हमारे पास जो हमारे B2B बिजनेस है, बल्क के जो कैटरिंग वाले हैं वो ले रहे हैं, घर वाले भी लेते हैं, हम भी लेते हैं, सभी लोग लेते हैं ये वाले भी, ताकि फिर घड़ी घड़ी को, और फिर इसके रखने का तरीका भी है, इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है ना स्टोर करें, बहुत ज्यादा गर्मी में भी ना रखें। मगर जो कहते हैं कि जितना पुराना चावल होता है उतना ही अच्छा होता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की रेगुलेटरी की बात करूं, लीगल रिक्वायरमेंट जिन्हें कहा जाता है, जो कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट है, सिंध फूड अथॉरिटी है, पंजाब फूड अथॉरिटी है, PSQC है, तो वो हमें कहते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके चावल के अंदर जो है ना एक भी इंसेक्ट्स नहीं होना चाहिए। सही है, ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट्स इटसेल्फ एक हैजर्ड है।
तो हमारे हम मिनिमम जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो फॉलो करते हैं, और इसके अंदर जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट्स हमने जो मेंशन की हुई है, न्यूट्रिशन वैल्यू मेंशन की हुई है, वो सारी हमने लीगल रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसके अंदर हमने मेंशन की हुई। अगर आप देखेंगे इसके अंदर सारी ये न्यूट्रिशन वैल्यू भी है, तो इट्स अ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट प्रोडक्ट। आज हम बिस्मिल्लाह करते हैं, मेट्रो का जो होम ब्रांड है, और बिरयानी बनाएंगे और देखते हैं कैसी बिरयानी बनती है। आपने हमें गाइड किया है बिरयानी का, ये है, और आई थिंक मुझे आप एक ये भी दे दें, मैं ट्राई तो करूंगी ना। ये स्पेशली पुलाव के लिए, अगर आप पुलाव के लिए